कोल्हान क्षेत्र से सभी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए तमाम लाभुक माता बंधु सभी को हमारे और से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। आज हमारी सरकार की आपका योजना आपके सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम ये चौथी बार आपका क्षेत्र में आपकी योजना को निराकरण हेतु इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं और इस योजनाओं को इस राज के अंतिम पंक्ति तक जो गरीब गुरबा है और झारखंड की हमारी इस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए या का इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथियों मैं कहना चाहूँगा निश्चित तौर पर हमारी इसी राज्य के महागठबंधन सरकार के जो इसी राज्य का नेतृत्व को जिम्मेवारी मिला है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को निश्चित तौर पर या इस राज्य को सर्वांगीण विकास के लिए इस राज्य की जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य का एक ब्लूप्रिंट बना चुका है जिसका तहत हमारी सरकार ये काम कर रही है। आज मैं कहना चाहूँगा ये सोच हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन का था जब उनके नेतृत्व पर झारखंड अलग राज का नेतृत्व कर रहे थे और गुरुजी का सपना था कि आज जब तक हम इस झारखंड को हम अलग राज में नहीं तब्दील करेंगे तब तक हम झारखंड क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी मूलवासी यहाँ के निवासियों को हम हक अधिकार नहीं दिला पाएंगे। इसलिए मुझे आज ये लगता है मुझे खुशी लगता है कि झारखंड अलग राज बने आज 24 वर्ष हो चुका लेकिन जब 2019 में आप सबों ने हमारी इस राज के जनताओं ने हमारी महागठबंधन सरकार को अब जनमत दे करके इस राज का माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आप बनाए हैं और आज निश्चित तौर पर उस अलग राज में लड़ाई लड़ने वाले जो शहीद हुआ जो बलिदान हुआ उनका सपना आज साकार देखते हुए मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ये योजना जो लाया गया है जो यहाँ पर सरकार मुख्यमंत्री मैया योजना निश्चित तौर पर ये पहले सिर्फ 60 वर्ष की उम्र वाले को ही ये पेंशन दिया जाता था लेकिन उसमें कई सारे उसमें अहर्ता दिया गया था कि आपको इस अहर्ता पूरा करेंगे तब आपको इसका पेंशन मिलेगा। उसके बाद हमारी सरकार राज का मुख्यमंत्री ने उसे 50 वर्ष में उसको लिमिट कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी आज यह देखा जा रहा था हमारे राज के माननीय मुख्यमंत्री का सोच रहा हम यहाँ के झारखंड के महिलाओं की सशक्तिकरण को और ज़्यादा से ज़्यादा हम ताकत दें। आज प्राय दिखा जा रहा था कि झारखंड के हमारे दीदी बहने जो ड्रॉप आउट 6-7 क्लास पढ़ के पढ़ाई छोड़ देने के बाद जो मैट्रिक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देने के बाद वह प्राय जो उसका घर का स्थिति उसका परिस्थिति के अनुसार वह दूसरे राज्य में वह होटल में काम करने के लिए जाती थी नौकरानी काम के लिए करने के लिए जाती थी। यह सोच जब हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देखा विचार किया यह इसलिए आज पहले 21 वर्ष से 49 वर्ष के मध्य वर्ष महिलाओं को दीदी को बहनों के लिए या राज्य पूरे राज्य में उसका सम्मान देने के लिए 1,000 रुपया देने का तय किया जो साल में 12,000 रुपया होता है। और उसके बाद यह देखा गया है कि अब अभी
हम लोग विगत कैबिनेट में इसको पारित किया कि 18 वर्ष से ही जो यहाँ पर दीदी है बहने हैं सभी को 18 वर्ष से ही उसको सम्मान राशि देने का हम लोग कैबिनेट में पास किया और बहुत जल्द उसका अगले महीने से मुझे लगता है उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगले महीने से उसका मिल जाएगा। इस तरह का हमारी सरकार के पास कई योजनाएं हैं जो धरातल पर हम लोग उतारने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमारी सर आपसे मेरा एक कहना हो निवेदन होगा कि आने वाले समय में ये जो लोक कल्याणकारी सरकार आपके इस राज्य के जनहित में काम कर रही है, आने वाले समय में आपको ये जो योजना अभी हमारी सरकार ने शुरू किया है, आने वाले समय में भी आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारी सरकार को और मजबूती के साथ आप बनाए रखने का काम करेंगे, जिससे ही हमारा राज्य का सर्वांगीण विकास होगा, आपका विकास होगा, यहाँ का पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और यहाँ का लोगों को पलायन रुकेगा और हमारे इस राज्य की झारखंड इसी बिरसा मुंडा की धरती पे तमाम लोगों को इसी राज्य में भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री रामदास सोरेन जी। और हर वर्ग का भला हो, हर किसी का कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही माननीय मंत्री महोदय श्री दीपक बिरुवा जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं। आप आए और हमें संबोधित करें। महोदय, तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी। पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम के संयुक्त आपके द्वार, आपकी सरकार, आपकी योजना कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्य के दूरदर्शी युवा एवं कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्रिमंडल, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, श्री बन्ना गुप्ता जी, श्री रामदास सोरेन जी और मंचासीन कोल्हान प्रमंडल से माननीय सांसद